फॉरेस्ट है ये भाई। अभी 14 घंटा हो गया गाड़ी चल रहा है भाई, 14 घंटा और नहीं हो रहा हमसे। तो निकल चुके हैं हम लोग मनाली के लिए और आज मौसम बहुत ही अच्छा है जैसा आप देख पा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज बस जितनी जल्दी हो सके मनाली पहुंचने हैं बस। तो अभी हम लोग हैं यहाँ पे समाना रोड के पास और यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लिया है। सुबह से अराउंड हो गया है 120 किलोमीटर्स और 130 किलोमीटर सॉरी, और अभी और 400 किलोमीटर्स कुछ है मनाली के लिए। तो हम एंट्री कर चुके हैं पंजाब और जैसा कि आप देख रहे हैं राइट साइड पे, ये सिर्फ आपको पंजाब में ही दिखाएंगे। पटियाला 77 किलोमीटर्स। लग रहा है आपको पंजाब में खटिया में बैठ के? गर्मी यहाँ बहुत ज्यादा है, सोचा नींबू पानी पी लिया जाए। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक पंजाब में एक बाइक शॉप है, बहुत ही अच्छी है क्योंकि इन्होंने मेरा बाइक का सारा प्रॉब्लम ठीक कर दिया। एक्चुअली होना चाहिए नॉलेज था इनके, बोल के कर दिया,
बहुत सस्ते में किया, तो किसी को भी दिक्कत होगा अगर बाइक का, अगर पंजाब से होते हुए जा रहे हैं तो यहाँ आप आराम से आके करवा सकते हैं, आप बहुत जल्दी काम करेंगे। जैसा कि आपने देखा गाड़ी बन चुका है, जिसके वजह से अब गाड़ी चल रहा है 70 पे, पहले चल रहा था 40-50 पे। जो प्रॉब्लम था वो था टाइमिंग चेन का, बट अब कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी पूरी रफ्तार में चल रहा है। और अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं छोले कुलचे खाने के लिए, जो कि पंजाब का फेमस है। ये हाईवे के बीच में ही है। और थोड़ी देर में हम लोग घुसने वाले हैं हिमाचल बॉर्डर, ठंड लगना स्टार्ट हो गया अभी से। और नज़ारे देखो भाई, पेड़ पेड़ ही पेड़, और बीच से है रास्ता। आज कुछ भी हो जाए भाई, बारिश ना गिरे बस, नहीं तो पूरा चौपट हो जाएगा आज। यहाँ से शुरू होता है चढ़ाई मनाली के लिए, बहुत ऊपर जाना है अभी। यहाँ से है 300 किलोमीटर्स टिल मनाली तक, ऐसे ही रोड है, इससे भी बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है। तो बने रहिए वीडियो में और नज़ारे का मज़ा लीजिए। ये लेफ्ट साइड में जो आप नदी देख रहे हैं, ये है व्यास नदी। मन तो कर रहा है यहाँ पर रुक के थोड़ा फोटो वोटो उठाया जाए, लेकिन हमें जाना है आज मनाली, और अगर रुक गए तो आज मनाली पहुँच नहीं पाएंगे।
भाई ये सपना है या हकीकत है समझ नहीं आ रहा है भाई। ओहो इतना मेहनत सफल हुआ है लग रहा है अब। वाह क्या सनसेट है वाह। ये सनसेट, ये रोड, ये पहाड़, ये मेरा पल्सर और हम। वाह 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 वाह। अगर ये व्यू आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहाँ है मनाली, कितना दूर है और भाई अलग लेवल का ऑफरोड है, अलग लेवल का। भाई भाई हाथ तक 12 बज गया, इतना भयानक दिख रहा है भाई। कब पहुँचेंगे यार भाई, जाने दे यार मुझे। पूरा फुल ऑफ रोड, फुल ऑफ रोड भाई। जा ये क्या है, भाई ये क्या है भाई, किसको किसी को पता है तो भाई बताओ कमेंट में, ये क्या है, चीज क्या है, ये कब बना, ये भाई पत्थर उत्थर काट के क्या कर दिया, गुफा बना दिया है। ओ भाई भाई कितना लंबा है ये भाई, पत्थर टूट गया तो खत्म हो जाएगा अंदर ही।
आज कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर हो गया है, लेवल अप हो गया पूरा एडवेंचर का। भाई मेरा हाथ पूरा दर्द से कांप रहा है, इतना भयानक दर्द हो रहा है, और सामने ये टनल। मेरा गाड़ी भी GPS सिग्नल लॉस्ट, हाथ फेंकने वाला लगा। भाई कितना बड़ा टनल ले जा रहा है, जाहिर है ये लग रहा है शॉर्टकट बना दिया। पक्का रास्ता आया है थोड़ा। ओहो हाथ दुख गया हमें इतना। वाह अच्छा रोड खुला है वो तो भाई, अलग लेवल में, अलग लेवल का। वाह भाई वाह, हेवी ड्राइवर सर। ओहो क्या सुंदर है भाई, दिख नहीं रहा है। हमको रेस्ट चाहिए भाई, अभी 14 घंटा हो गया गाड़ी चल रहा है भाई, 14 घंटा और नहीं हो रहा हमसे। कहीं तो पहुंचेंगे, कहीं बस पहुंचना है, यहाँ से निकलना है भाई हमको, और नहीं हो रहा है, परेशान हो गया है। तो अभी बज रहा है 8:30 और अभी तक हम लोग मनाली पहुंचे नहीं है। मनाली और 90 किलोमीटर्स है यहाँ से। तो अभी हम लोग रात में पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं, वो भी अंधेरे में, बीच बीच में लाइट आ रहा है, गाँव आ रहे हैं, बट ये अलग ही मज़ा है। पूरा रोड पे कोई नहीं है, पहाड़ों में गाड़ी चला है, जा रहा है रात के 8:30 बजे। ले 512। हो एट लास्ट पहुंच चुके मनाली, 18 घंटे ड्राइव करके। और ये बस व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, अभी टाइम हो रहा है 12:30 बट लग रहा है जैसे अभी 4:30 या 5 बज रहे सुबह के। तो मिलते हैं कल सुबह, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। और कल का जो राइड था वो काफ़ी भयानक था। रात को 12:30 बजे तक हम लोग पहाड़ में गाड़ी चला रहे थे, वो भी ऑफ रोड, विदाउट लाइट्स, कुछ नहीं, बस बाइक का जो लाइट था वही। 18 आवर्स कल पूरा ड्राइव हुआ है, सुबह से हिसार से लेके 5:40 से लेके टिल 12:30 तक रात का। और रात में खाने के लिए कुछ था नहीं, आके जैसे तैसे मैनेज हुआ और रूम पहुंचे 12:30 को। उसके बाद तो भाई बेहोश और कुछ पता नहीं था। तो कल का दिन बहुत ही रोमांचक रहा, बारिश में गड्ढों पे, कीचड़ पे। और आज यहाँ पहुंच के जो सुबह उठ के जो व्यू मिला है वो सब हील कर दिया। दिखाता हूँ, वो देखो भाई बर्फ। तो आज का दिन हम लोग यही रुकने वाले हैं और घूमने वाले हैं मनाली थोड़ा, और कल सुबह निकलेंगे लेह के लिए। तो आज का दिन घूमते हैं मनाली, लेट्स गो।